Hey guys, welcome to my channel. In this video, we will discuss expert system. इस वीडियो में हम एक्सपर्ट सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के, और एक्सपर्ट सिस्टम की रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और उसकी एप्लीकेशन. तो स्टार्ट करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम से. इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं. उसमें हमने बहुत सारी एप्लीकेशन डिस्कस करी थी, इंक्लूडिंग कि वो रोबोटिक्स में यूज हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज इन स्पीच एंड वॉइस रिकॉग्निशन, इन NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. और उसमें से एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी कि वो एक्सपर्ट सिस्टम्स में भी यूज होता है. तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे. एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम की डेफिनेशन से. तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम. हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो भी किसमें, इन अ पर्टिकुलर डोमेन में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किया गया है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम में ये भी खास बात है कि इट रिक्वायर्स ह्यूमन एक्सपर्टीज. एक्सपर्ट मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में, अपनी किसी एक फील्ड में एक कोई भी ह्यूमन एक्सपर्ट है, तो उसकी जो नॉलेज होगी उसकी नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होगी. ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर डोमेन में हो. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. और मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि जो नॉलेज होती है वो दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज डोमेन स्पेसिफिक एंड कॉमन सेंस नॉलेज. अगर आपने नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो, एंड इफ यू विश टू सी दैट वीडियो, देन यू कैन क्लिक ऑन दैट आई बटन, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं. तो नॉलेज दो टाइप की होती है, डोमेन स्पेसिफिक एंड कॉमन सेंस नॉलेज. तो एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ पे कौन सी नॉलेज को यूज करेगा, एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को यूज करता है. और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था जब मैंने आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को एक्सप्लेन किया था, कि जैसे टीचर है उसको एक पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होगी, एक पर्टिकुलर डोमेन में नॉलेज होगी, उसको अपने डोमेन में नॉलेज होगी, और डॉक्टर को अपने डोमेन में नॉलेज होगी. तो जिसको भी अपने डोमेन की पूरी अच्छे से नॉलेज होती है वो हो गया डोमेन एक्सपर्ट. और डोमेन एक्सपर्ट की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट किसको होगी, एक्सपर्ट सिस्टम को. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट सिस्टम सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन अ डोमेन. तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करते हैं, नॉलेज बेस को यूज करते हैं. नॉलेज बेस क्या है, जिसमें नॉलेज स्टोर होती है. हम आगे देखेंगे कि नॉलेज इंजीनियरिंग में कैसे कैसे नॉलेज एक्वायर होती है, कैसे नॉलेज रिप्रेजेंट होती है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट सिस्टम सॉल्व करेगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर डोमेन में सॉल्व करेगा, तो उस डोमेन के लिए वो एक अपना पूरा नॉलेज बेस बना लेता है जिसमें कि वो नॉलेज को स्टोर करेगा. तो फर्स्ट तो हो गया कि ये क्या है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को यूज करता है. नेक्स्ट है कि इट डज नॉट रिप्लेस द ह्यूमन एक्सपर्ट. एक्सपर्ट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमन एक्सपर्ट को रिप्लेस कर देगा. वो क्या करता है, वो जो नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनके लिए वो एक तरह से एक्सपर्ट्स की हेल्प प्रोवाइड करवा देता है, पर वो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा ह्यूमन एक्सपर्ट को. ह्यूमन एक्सपर्ट्स की नॉलेज को यूज कर सकता है पर उनको रिप्लेस नहीं करेगा. नेक्स्ट इज नॉलेज इंटेंसिव प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है. नॉलेज इंटेंसिव प्रॉब्लम्स मतलब जिसमें कि एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रॉब्लम के लिए यूज होता है नॉलेज इंटेंसिव प्रॉब्लम. जो कि एक ह्यूमन एक्सपर्ट सॉल्व करता है उसके लिए एक्सपर्ट सिस्टम यूज होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस केस में हम एक्सपर्ट सिस्टम को यूज कर सकते हैं. क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमें जिस एक्सपर्ट की जरूरत है वो एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होता, तो एक्सपर्ट सिस्टम हमेशा अवेलेबल होगा. और जब हम इसकी एडवांटेज डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं. नेक्स्ट इज कि ऐसा कोई भी सक्सेसफुल एक्सपर्ट सिस्टम नहीं बना जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स नहीं कर सकते. अभी तक ऐसा कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम नहीं बना है कि वो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे जो ह्यूमन एक्सपर्ट नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व. एक्सपर्ट सिस्टम सिर्फ असिस्ट करता है, वो उस ह्यूमन एक्सपर्ट को रिप्लेस नहीं करता. रिमेम्बर दिस थिंग. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. ओके, सो हियर आर द एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम.
तो एप्लीकेशंस की बात करें तो मेडिकल डायग्नोसिस में, क्लिनिकल सिस्टम्स में एक्सपर्ट सिस्टम यूज हो सकता है, जैसे कि एमआरआई डायग्नोसिस मशीन एक्सेट्रा, एंड साइंटिफिक एनालिसिस में यूज हो सकता है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स में, रोबोटिक्स में, मैथमेटिक्स के लिए यूज हो सकता है, फॉर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए यूज हो सकता है, एंड बैटल फील्ड में यूज हो सकता है एज एन इंटेलिजेंट असिस्टेंस की फॉर्म में ये बैटल फील्ड में भी यूज होता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फार्म में भी यूज हो सकता है। देयर कैन बी मेनी मोर एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। अगर बात करें इसके एग्जांपल की तो ये दो एग्जांपल मैंने लिए, डेंड्रल एंड मायोसिन। तो डेंड्रल किसके लिए यूज होता है? डेंड्रल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। डेंड्रल एक केमिकल एनालिसिस एक्सपर्ट सिस्टम है। ये अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज मायोसिन। मायोसिन विल डायग्नोस द ब्लड क्लॉट डिसीज। जो भी ब्लड क्लॉटिंग डिसीज होते हैं उनको डायग्नोस करता है। और सेकेंड थिंग, एंटीबायोटिक्स को रिकमेंड करता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए एक्सपर्ट सिस्टम के। आई होप एग्जाम्पल और एप्लीकेशन को देखकर आपको एक्सपर्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा। तो अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, फर्स्ट वन इज कि एफिशिएंट और रिलायबल होता है एक्सपर्ट सिस्टम। एफिशिएंट और रिलायबल कैसे होता है? जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, मूड और स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो कभी कभी जैसे अगर ह्यूमन स्ट्रेस में है तो वो रॉन्ग डिसीजन भी ले लेता है। इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या करेगा, एफिशिएंट होता है और रिलायबल होता है, बहुत ज्यादा इसकी रिलायबिलिटी होती है। और ये कभी भी डिफॉल्ट अजम्पशन नहीं करेगा, इसलिए ये क्या है, एफिशिएंट एंड रिलायबल। नेक्स्ट इज हाईली रिस्पॉन्सिव। हाईली रिस्पॉन्सिव कैसे? बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सॉल्व कर देता है इजिली। नेक्स्ट इज हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस कैसे है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको ये सॉल्व करेगा, एफिशिएंटली सॉल्व करेगा, एज वी हैव सीन इन द फर्स्ट पॉइंट, एफिशिएंटली सॉल्व करेगा और एक्यूरेटली सॉल्व करेगा। नेक्स्ट इज रीजनिंग प्रोसेस। इसमें क्या है, जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है ना उसका रीजनिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। हम आराम से उसके पूरे रीजनिंग प्रोसेस को देख सकते हैं, कोई भी उसके रीजनिंग प्रोसेस को, कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, उस पूरे प्रोसेस को कोई भी इजीली देख सकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी मतलब कि इंटर डिसिप्लिनरी डोमेन्स में ये आराम से यूज हो सकता है, बिकॉज जहां पे मल्टीपल एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। और आप देख सकते हो कि इसके एडवांटेज भी है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक्सपर्ट सिस्टम में दो डिसएडवांटेजेस हो सकती है। फर्स्ट वन इज कि ये कॉमन सेंस नॉलेज को यूज नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दो टाइप की नॉलेज होती है, बट ये कॉमन सेंस नॉलेज को यूज नहीं करता। ये कौन सी वाली नॉलेज को यूज करता है? डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को यूज करता है। नेक्स्ट वन इज कि इसकी हाई रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है। So these are the two disadvantages. So guys, I hope you have understood the concept of expert system, its meaning, its definition, what are the real life examples and applications, and what are the advantages, characteristics, disadvantages. And if you have found this video as informative, then please hit the like button and please subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.